नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौ। उन खबरों की शुरुआत करेंगे देश प्रदेश की कोरोना अपडेट के साथ। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले 18,08,000 हो चुके हैं, जबकि 16,72,000 लोग ठीक हो चुके हैं, साथ ही 46,000 के पार पहुंच चुका है मौत का आंकड़ा। गुजरात में कोरोना वायरस संक्रमण का आंकड़ा 2,05,511 हो चुका है, जहां पर 1,86,000 लोग ठीक हो चुके हैं, 3,938 के पार पहुंच चुके हैं मौत के आंकड़े। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले 2,01,000, जहां पर 1,83,000 लोग ठीक हो चुके हैं, साथ ही 3,224 के पार पहुंच चुके हैं मौत के आंकड़े। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले 5,56,000 के पार, जहां पर 5,09,000 लोग ठीक हो चुके हैं, 8,909 के पार पहुंच चुके हैं मौत के मामले। राजस्थान में कोरोना वायरस के मामले 2,60,000 के पार, जब पर 2,29,602 लोग ठीक हो चुके हैं, साथ ही 2,255 के पार पहुंच चुके हैं मौत के आंकड़े। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 5,36,000, जहां पर लगातार दिल्ली में कोरोना के हालात जो है बेकाबू हो चुके, लगातार ग्राफ जो है कोरोना में बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में लगातार जो ग्राफ है कोरोना का राजस्थान में सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 5,36,000 ये आंकड़ा हो चुका है, साथ ही 5,04,000 लोग ठीक हो चुके हैं, 7,674 के पार पहुंच चुके हैं मौत के आंकड़े। वहीं तमिलनाडु में 7,76,000 के पार पहुंच चुका है आंकड़ा, जहां पर 7,54,000 लोग ठीक हो चुके, 11,681 के पार पहुंच चुका है मौत का आंकड़ा। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले 8,00,000 के पार, जहां पर 8,46,000 लोग ठीक हो चुके, साथ ही 6,976 के पार पहुंच चुका है मौत का आंकड़ा। तेलंगाना में 2,00,000 के पार पहुंच चुके हैं केसेज, जहां पर 2,55,000 लोग ठीक हो चुके, 1,448 के पार पहुंच चुका है मौत का आंकड़ा। पंजाब में कोरोना के मामलों की संख्या 1,50,000 के पार, जब पर 1,36,330 लोग ठीक हो चुके हैं, 4,736 के पार पहुंच चुका है मौत का आंकड़ा। हरियाणा में कोरोना के मामलों की संख्या 2,28,746 हुई, जब पर 2,06,000 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं, साथ ही 2,345 के पार पहुंच चुका है मौत का आंकड़ा। बिहार में कोरोना के मामलों की संख्या 2,33,840 हुई, जब पर 2,27,000 लोग ठीक हो चुके हैं, साथ ही 1,248 के पार पहुंच चुके हैं मौत के मामले। अरुणाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले 16,231 हुए, जहां पर 15,270 लोग ठीक हो चुके हैं, साथ ही 50 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। उड़ीसा में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 3,03,000 के पार, जब पर 3,09,000 लोग ठीक हो चुके हैं, घर लौट चुके हैं, साथ ही 1,771 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। वहीं केरल में कोरोना के मामले की संख्या 5,87,000 हुई, जहां पर 5,00,000 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं, साथ ही 2,172 की मौत हो चुकी है। असम में कोरोना के मामलों की संख्या 2,12,320 हुई, जहां पर 2,08,000 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं, साथ ही 980 की मौत हो चुकी है। झारखंड में 1,08,576 हुआ आंकड़ा, जहां पर 1,05,000 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं, साथ ही 961 की मौत हो चुकी है। मिजोरम में 3,788 पहुंचे आंकड़े, जब पर 3,367 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, साथ ही 5 की मौत हो चुकी है। हिमाचल में 38,327 हुआ आंकड़ा, जब पर 29,000 लोग ठीक होकर घर लौट चुके, साथ ही 602 की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 73,527 हुई, जहां पर 66,000 लोग ठीक हो चुके हैं, साथ ही 1,202 की मौत हो चुकी है। मेघालय में कोरोना के मामलों की संख्या 11,000 के पार हुई, जब पर 10,606 लोग ठीक हो चुके हैं, साथ ही 110 की मौत हो चुकी है। त्रिपुरा में कोरोना के मामलों की संख्या 32,607 हुई, जहां पर 31,000 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं, साथ ही 367 की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामलों की संख्या 2,32,000 हुई, जहां पर 2,08,000 लोग ठीक हुए, साथ ही 2,813 के पार पहुंचा मौत का आंकड़ा।
गोवा में 47,490 पहुंचे केसेज, जहां पर 45,492 लोग ठीक हुए, साथ ही 686 की मौत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में 4,73,000 हुआ आंकड़ा, जहां पर 4,43,000 लोग ठीक हुए, साथ ही मौत की संख्या बढ़कर 8,270 हुई।